बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले बीजेपी के लिए आज पहले अप्रैल को अच्छी खबर आई। कल तक पूर्व विधायक और संसदीय सचिव लखनलाल देवांगन अपने जिस लोकसभा उम्मीदवार के खिलाफ काम करने की बातें कह रहे थे और साथ ही आज वही ज्योति नंद दुबे के नामांकन के दौरान उनके प्रस्तावक बने। पार्टी के दो बड़े नेताओं के बीच इस मेलजोल से जिला भाजपा में आपको बता दें कि एक बार फिर से उत्साह का संचार हुआ। जब ज्योति नंद दुबे निर्वाचन कार्यालय में दाखिल हुए तब उनके साथ खुद लखनलाल देवांगन भी मौजूद थे। दोनों नेताओं के बीच सुलह जो है वो देखने को मिली है। अगर बात करें तो पहले लखनलाल के खिलाफ थे ये, लेकिन अब दोनों नेताओं के बीच भी मेलजोल, लखनलाल ज्योति नंद के प्रस्तावक बनते हुए दिखाई दिए। पहले खिलाफ थे लेकिन अब कह सकते हैं कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, एकजुटता, एकता हर एक नेता के बीच देखने को मिल रही है, वहीं दोनों नेताओं के बीच सुलह हो गई है ऐसा कहा जा सकता है। पहले एक दूसरे के खिलाफ थे लेकिन आज एक साथ देखने को मिले हैं एक दूसरे के प्रस्तावक के तौर पर। लखनलाल की अगर बात की जाए तो पहले एक खिलाफ थे वो, वहीं दोनों नेताओं के बीच अब मेलजोल देखने को मिला। लखनलाल और ज्योति नंद के प्रस्तावक बने, पहले खिलाफ थे लेकिन अब प्रस्तावक बन गए हैं और मेलजोल, एकजुटता, एकता कह सकते हैं साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एक साथ एक ही जगह एक दूसरे के प्रस्तावक बनते हुए दोनों नेताओं के बीच मेलजोल। वे तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता व्यास नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। व्यास, क्या कुछ जानकारी, जिस तरीके से चुनाव करीब है क्या यही वजह है कि एकजुटता देखने को मिल रही है? जी, ऐसा हुआ यहाँ पर कि आज लोकसभा प्रत्याशी ज्योति नंद जी ने आज नामांकन भरा यहाँ पे जी। और इसके पहले यहाँ पे ये हुआ था कि अभी जो विधानसभा जो चुनाव हुए थे तो वहाँ पे इन्होंने लखनलाल देवांगन जी जो है पूर्व विधायक, उन्होंने आरोप लगाया था कि आपने मेरे इसमें काम नहीं किया था मेरे चुनाव के समय, तो मैं भी इस बार आपके चुनाव पे काम नहीं करूंगा और मैं आपका हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। व्यास, लेकिन जिस तरीके से अब जो एकजुटता देखने को मिल रही है, इसका फायदा मिलेगा, वाकई फायदा मिलेगा? जी, फायदा मिलेगा क्योंकि इनका कहना है लखनलाल देवांगन जी का कि संगठन संगठन होता है और हम संगठन के साथ में हैं और आने वाले समय में हम प्रत्याशी को बिल्कुल भरपूर सहयोग करेंगे और हमारे पूरे कार्यकर्ता उनके साथ में काम करेंगे, ऐसा उनका कहना है। जी जी व्यास, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो पहले एक दूसरे के खिलाफ लेकिन अब एक दूसरे के साथ, चुनाव है जो एक दूसरे को साथ ला रहा है ये कहना गलत नहीं होगा। दोनों नेताओं के बीच अब सुलह हो चुकी है और यही कहना है कि संगठन जो है उसमें सभी एकजुट हैं, एक साथ हैं। लखनलाल ज्योति नंद के प्रस्तावक बने और पहले लखनलाल के खिलाफ भी थे। जी, आज ऐसा हुआ है कि लखनलाल खुद जो है वहाँ पे एक प्रस्तावक के रूप में वहाँ पे गए हैं और ज्योति नंद के साथ में उनका प्रस्तावक बन करके उनसे फॉर्म, नामांकन फॉर्म भरवाया गया। जी,